हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और चैप्टर है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जो भी आपका पदार्थों के पृथककरण में क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है ना? तो एक एक करके हम ये क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ओके, चैप्टर का नाम डालिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स नीड टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? गिव टू एग्जाम्पल्स, बताओ मिश्रण के घटकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है और पृथक्करण के आपको दो उदाहरण देने, दो उदाहरण दीजिए। ओके चलो, चलो बताओ क्यों करते हैं हम लोग पृथक किसी भी चीज को? देखो, जब हम मिश्रण की बात कर रहे हैं ना, कभी कभी मिश्रण के घटकों में ऐसा होता है कि कोई एक कंपोनेंट आपका यूजफुल होता है और दूसरा क्या होता है, यूजफुल नहीं होता, ठीक है ना, यूजलेस होता है। तो जो यूजफुल चीज है वो हमको चाहिए, जो यूजलेस है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जो यूजलेस है या आप जो बोल रहे हैं कि जिसका हमें कोई उपयोग नहीं है वो दूसरे यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको पृथक कर देते हैं। तो पृथककरण क्यों आवश्यक है कि मिक्सचर के कंपोनेंट में कोई एक कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो कि पूरे आपके मिक्सचर को यूजलेस बना दे या स्पॉइल कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो कि अगर चावल में कंकड़ है तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें चावल चाहिए, कंकड़ तो हमें चाहिए ही नहीं। और जैसे चाय हम लोग पीते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है उसको छान करके अलग कर देते हैं, तो वो भी हमारा आवश्यक है क्योंकि चाय की पत्ती का उसमें कोई उपयोग अब नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो पूरा मिक्सचर है उसको सिर्फ एक कोई कंपोनेंट जो कि बेकार है, उसमें जिसका कि कोई काम नहीं है, वो पूरे मिक्सचर को या जो भी वो पदार्थ है उसको स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है, तो इसलिए हम उसको पहले ही सेपरेट आउट कर लेते हैं। ओके चलिए आंसर लिखिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेट आउट बिकॉज बिकॉज सम कॉम्पोनेंट्स may not be useful
सम कॉम्पोनेंट्स मे नॉट बी यूजफुल। एंड मे स्पॉइल द यूजफुल कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ओके एग्जाम्पल लिख लो। पहला लिखो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग स्ट्रेनर स्ट्रेनर की हेल्प से। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम वीट राइस एंड पल्स। ठीक है ना। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड आउट बिकॉज जो किसी भी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स होते हैं कोई भी मिश्रण के घटक होते हैं आपके उनको अलग क्यों करना चाहिए या क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है अगर हम चाय की पत्ती में जो चाय है उसमें चाय की पत्ती को एज इट इज रहने दें तो उसका क्या ही लाभ है आपका कोई लाभ नहीं है उसमें है ना। और वो उसके बजाय कोई फायदे की वो कर क्या रही है उस चाय के टेस्ट को और खराब कर रही है। जब हमारे हम चाय का सिप लेते हैं और कभी गलती से टी लीव्स यानी कि चाय की जो पत्ती है वो मुंह में चली जाती है तो कितना अजीब सा टेस्ट आता है। तो बहुत ज्यादा कुछ उसके क्या है बेनिफिट्स नहीं है, है ना। ऊपर से वो उसके टेस्ट को और खराब कर रही है जब वो उसमें है क्योंकि हमें उसका क्या चाहिए था हमें उसका एक्सट्रैक्ट चाहिए था। वो एक्सट्रैक्ट तो हमें पहले ही मिल गया है जब हमने उसको बॉइल किया वाटर के साथ समझ रहे। तो इसलिए उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। सेकेंड वन इज जब हम हैंड पिकिंग का यूज कर रहे थे राइस और पल्सेस से आपका स्टोन पीसेस या फिर पेबल्स से आपके जो भी थे उनको सेपरेट आउट करने के लिए तो क्यों कर रहे थे क्योंकि उनका कोई वहां पर यूज है नहीं समझ रहे हो। तो बजाय इसके कि उससे हमें कोई बेनिफिट हो रहा है वो उसके टेस्ट को खराब कर रहे हैं वो उस पदार्थ को खराब कर रहे हैं इसलिए हम उस मिश्रण के जो घटक हैं आपको उनको क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं। ओके चलो तो ये प्रश्न आएगा तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर देंगे। चलिए लिखिए हिंदी में। मिश्रण के उत्तर है मिश्रण के कुछ घटक उपयोगी नहीं होते हैं तथा ये अन्य घटकों को घटक अवयव या जो वो पार्ट है ठीक है अन्य घटकों को खराब कर सकते हैं इसलिए
इन्हें इन्हें गिने जो वो खराब कर रहे हैं पूरे मिश्रण को, ठीक है ना। इन्हें मिश्रण से पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट विनोइंग वेयर इज इट यूज्ड। ठीक है, विनोइंग क्या है, इसको हिंदी में हम लोग ओसाई भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। आंसर लिखो। विनोइंग क्या है, एक सेपरेशन मेथड है। क्या है सेपरेशन मेथड, और इस सेपरेशन मेथड में होता क्या है, हेवियर और लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, वो एक साथ होते हैं और उसमें उनको एक हाइट से नीचे गिराया जाता है, और हवा का उपयोग करके या बाय ब्लोइंग एयर वायु को प्रवाहित करके उन हेवियर कंपोनेंट्स से लाइटर कंपोनेंट्स को आपका सेपरेट आउट किया जाता है। यानी कि भारी और हल्के कण एक साथ हैं, हवा का उपयोग करके या वायु को प्रवाहित करके उन हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जा रहा है, जैसे कि अनाज से भूसे को अलग किया जाता है और एक हाइट से उसको गिराया जाता है। तो जो भूसा होता है वो हल्का है चूंकि आपका, तो वो हवा के द्वारा उड़ करके एक साइड चला जाता है, तो इसी को ओसाई या आपका विनोइंग कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली फार्मर्स करते हैं इसका उपयोग, या घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है अनाज से भूसे को अलग करने के लिए। समझ रहे हैं। चलिए लिखिए, विनोइंग इज द सेपरेशन मेथड विनोइंग इज अ सेपरेशन मेथड इन दिस हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय आर सेपरेटेड बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है।
लिखो नेक्स्ट, यूज्ड बाय, दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर, लाइटर यानी हल्के, लाइटर हस्क पार्टिकल्स, लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रीन और ग्रीन्स, ठीक है? हेवियर सीड्स, सीड्स ऑफ ग्रीन लिखी। तो विनोइंग इज अ सेपरेशन मेथड, ठीक है ना? विनोइंग आपका क्या है? एक सेपरेशन मेथड है, यानी पृथककरण की एक विधि है। इन दिस हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इसमें होता क्या है, जो मिश्रण है उसके भारी और हल्के जो कण हैं आर सेपरेटेड बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है ना? उनको पृथक किया जाता है आपका किससे, इसका उपयोग करके, ब्लोइंग एयर और विंड का, यानी कि हवा और वायु को प्रवाहित करके इनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में लिखो, यह है विधि मिश्रण के हल्के तथा भारी कणों को वायु का उपयोग करके या उपयोग कर पृथक करने की है। ठीक है, किसानों द्वारा अनाज से भूसे को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना? ये भी आपके पास आते हैं, सत्य असत्य में पहला है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बताओ, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आपका जल और मिल्क यानी कि दूध का एक मिश्रण है और उसको फिल्टर करके आप लोग क्या पृथक कर सकते हैं, बताओ, सत्य है या असत्य है? तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को हम किससे, फिल्टर करके तो पृथक नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखो, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद
फिल्ट्रेशन। बताओ, जो चाय होती है उससे चीनी को फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है ये कथन भी, ठीक है? क्योंकि अगर हम चाय को छानते हैं तो नीचे जो चाय जिसको हम पीते हैं उसको छानने के बाद ही हम पीते हैं, तो छानने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि उसमें चीनी नहीं है, मीठा नहीं होता है। अगर चीनी डाली ही नहीं है तो अलग केस है, लेकिन अगर उसमें शुगर है, डिजोल्व है, तो वो छानने से अलग नहीं होगी। छानने से उस केस में सिर्फ आपका जो टी लीव्स होती हैं वो सेपरेट आउट की जाती है। ओके, तो आज के सेशन में हमने एक दो क्वेश्चंस देखे यहाँ पर, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको डीप में पढ़ा। दो यहाँ पर ट्रू फॉल्स हमने देखे। आने वाले सेशन में आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर और बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।